अंजलि क्या है? वो क्या है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी बोलने आया हूँ मैं। उस दिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था, सॉरी। सॉरी मत बोलो तुम, याद है ना तुमने कहा था अगर मैं एक बार तुम्हें किस करूं, हग करूं और आखिर में सॉरी बोलूं तुम ओके बोलोगी क्या? मैं नहीं छोड़ूंगी, सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अंजलि वो बात अलग थी और ये अलग है। क्या फर्क है, क्या फर्क है? तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरी शर्ट में गांठ लगा सकते हो, पब्लिकली किस कर सकते हो, ये गलत नहीं है? बोलो ये अलग है, बोलो। क्या क्या सोचा था मैंने अपनी पहली किस को लेकर, ये ऐसे आया और ऐसे चला गया। क्या? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने किस वाली मूवीज नहीं देखी, मुझे लगा रियलिटी में उसका थ्रिल चला जाएगा। जब उनके चेहरे एक दूसरे के पास आती थी मैं आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन आज तुम्हारे फर्स्ट किस में कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा। तुम्हारा फर्स्ट किस बहुत अच्छी तरह से होगा, मैं कह रहा हूँ ना। क्या होगा? तुमने ये सब किया है। सॉरी, भोला बन रहा है। अच्छा, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए? बताओ ना क्या करूं मैं। प्यार करो मुझे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन मुझे लगा। क्या लगा? इस वक्त मैं जो तुमसे कह रही हूं इसी को प्यार कहते हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों? मुझे किस करते वक्त नहीं सोचा, अब तुम्हें टाइम चाहिए? देखो, मेरे पहले किस को फेल मत होने दो, प्लीज। वो क्या है कि मुझे भी प्रॉपर किस करना नहीं आता है। ठीक है, पहले तुम ट्राई करो फिर मैं ट्राई करूंगी। तुम्हारा मुंह थोड़ा आगे क्यों है? क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा क्यों नहीं है? इससे किस करने का डिस्टेंस कम हो जाता है। मैंने कहा ना मुझे किस करना नहीं आता है। यहाँ इधर खड़ी हो। ₹110 दो। बोलिए एसआई सर। अच्छा आनंद, उस नकली गैंग के बारे में कुछ बात करनी है। जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाइए। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अंजलि, क्या हुआ? अजय को कल रात ड्रंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट किया था, काउंसलिंग चल रही है अंदर। कितना टाइम लगेगा? ए! हाँ? इतनी देर क्यों लगी? ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनको अच्छी तरह से जानता है तू। तुम यहाँ क्या करने आई हो? पता है कितनी टेंशन हो गई थी मुझे जब लीला ने मुझे फोन करके बताया कि तुम पुलिस स्टेशन में हो। क्या जरूरत थी तुझे बताने की? हाँ, बेचारी जबरदस्ती टेंशन ले रही थी। ऐसे तुम बहुत प्यारी लगती हो। चलो चलते हैं, आ जाओ। हेलो, एक मिनट। हाँ अंजलि, फाइन भरने के लिए मैंने उसे पैसे लिए थे। थैंक्स। तुमसे किसने कहा? ये लीला भी ना। हाँ, शाम को मिलके बात करते हैं, ठीक है? सर आप यहाँ कैसे? मतलब तुम्हारी बात अब थाने तक पहुँच गई? ऐसी कोई बात नहीं है सर,
अज्जू। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना व्हाट्सएप। काम है तुम्हें यहाँ? हाँ? क्या काम है? हाँ? इसे क्यों मार रहे हैं आप? प्यार तो मैं आपकी बहन से करता हूँ ना। क्या बोल रहा है तू यहाँ पे? ये कोई मदुरा वाइन की शॉप है जो मन में आएगा बकता जा रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, एक बार मेरी बात सुनिए। कहना क्या चाहता है तू? हाँ? सर मुझे आपको कुछ बताना है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, इसमें आपकी बहन का कोई कसूर नहीं है। तुम यहाँ क्यों भाई? क्या बंदर? अंजलि एक मिनट रुको। घर वाले अपनी तानाशाही दिखाते हैं हमें, ये हमें अपनी जागीर समझते हैं, बात ना बने तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अरे तुम इन्हें बोल दो, इनके बिना तुम मर नहीं जाओगी, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलता हूं अंजलि। हम बहुत सी लव स्टोरीज देखते हैं, कुछ कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम। जो लव स्टोरीज कामयाब होती हैं उनमें लड़का लड़की के साथ खुशी से रहता है, जो नाकाम होती हैं उनमें लड़का अतीत की पुरानी यादों में जीता है। ऐसे ही एक उदास अतीत का नाम है मथुरा, जिसमें हीरो अपनी मोहब्बत के नाकाम होने पर डूबा रहता है। इसमें सिर्फ उसकी जिंदगी से मथुरा को निकालने वाले और मथुरा के नाम से जुड़े कुछ नए किरदार होंगे, लेकिन खुद मथुरा नहीं। ये किरदार कैसे कैसे उससे मिलते हैं और उसकी जिंदगी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, उसी से बनती है हमारी कहानी मथुरा वाइन्स। राज्य के बंटवारे की वजह से जमीन की कीमतों में उछाल आएगा, ये सोचकर मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। अचानक जमीन के दाम गिर गए और कर्ज बढ़ गए, चारों तरफ मुसीबतें टूट पड़ी। मैं तुम्हारे पास इस उम्मीद से आया था कि शायद तुम मुझे कोई रास्ता दिखाओ। कितना कर्ज दे रहा है आपको? ब्रह्मा सर, पैसे नहीं चाहिए भाई, कुछ अलग मदद चाहिए। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ऐसे हालात में हमारे पास यही एक तरीका है, तो मैं बताऊं आपको? ठीक है बताओ। वो क्या है कि मैं शराब की एक दुकान शुरू करने जा रहा हूँ और गुंटूर टाउन में हमें इसके लिए लाइसेंस भी मिल गया है, तो आप दुकान संभालिए, इन्वेस्टमेंट मैं देखता हूँ, क्या कहते हैं? नहीं भाई, देखो गलत मत समझना, लेकिन मैं यह धंधा नहीं कर सकता। शराब के नशे में शराबी पति बीवी की पिटाई करता है, शराबी बाप को बच्चों का ख्याल नहीं होता, नशे में धुत गाड़ी ड्राइवर की मौत से परिवार रोड पे आ जाता है। मैं इन चीजों के लिए खुद को मैं कारण नहीं बनने देना चाहता, माफ करना भाई। अरे ये सब सोचना हमारा काम थोड़ी ना है, हम नहीं तो दूसरे लोग करेंगे। उन लोगों में मैं नहीं होऊंगा, इस बात की तो खुशी होगी। अरे मेरा पैसा कितने टाइम से बाकी है, कब वापस करोगे? कब दोगे मेरा पैसा? अगर नहीं दिया ना तो तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, बच गए? अरे हद है, पैसा लेकर भूल जाते हैं लोग, जब मांगने आओ तो आंख दिखाते हैं। हां पिछले 3 महीने हो गए, अभी तक तुमने ब्याज नहीं चुकाया।
अरे कुछ नहीं, तू वो सब छोड़ना, मैं देखता हूं। कल रात मुझे एक मैसेज आया था भाई, और जब मैंने उस मैसेज का रिप्लाई दिया तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। कहीं ये मधुरा तो नहीं है? अरे तू उसके लिए अभी भी दीवाना है। अच्छा सुन, तू अभी भी उसके लिए तड़प रहा है ना? उसने किसी और से शादी कर ली है और खुश है, लेकिन तू उसके बारे में सोचकर अपना टाइम खराब कर रहा है। खैर तुझे बोलकर कोई फायदा नहीं है, तू सुधरेगा नहीं। ए भाई तू रो रहा है? जया अरे मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरी बात सुन, रोना बंद कर। तेरे पास जो कॉल्स आते हैं वो मधुरा के नहीं हो सकते, अगर वो नहीं मिली तो और भी तो लड़कियां हैं। ए वो नंबर बंद है। पता तेरा बॉस का है? मैंने कुछ नहीं किया। जब से मथुरा गई है मैं होश में नहीं हूं, वो जहां भी होगा वहां मारूंगा। रामू तुम्हें शराब पीने की आदत है ना? नहीं भाई। भविष्य में पीने वीने का इरादा है क्या? नहीं भाई कोई इरादा नहीं है, पर आपने पूछा क्यों? बात यह है रामू कि हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं, वाइन शॉप बिजनेस। वो किसी लड़की से प्यार करता था भाई। अच्छा ठीक है, कल से समय पे दुकान पे आ जाना। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। नमस्ते भैया। भाई वैसे दुकान का नाम क्या है भाई? मधुरा वाइन्स। तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी। मुझे छोड़ के गए कितने दिन हो गए, लेकिन तुमने अभी तक एक फोन भी नहीं किया। तेरी तो अरे रे रे रे, कहाँ है तू? जाके बैठ। अरे पागल कहीं का, इतना अच्छा साइन बोर्ड तोड़ दिया। खाना है क्या? दोस्त के साथ बाहर गया। वो सब छोड़ो ना। पापा नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। अरे बोल
बोला ना नहीं खाना है। जाइए सो जाइए। ए, वो साइड वाला बल्ब देखना। हाँ क्या हुआ? एक लड़का था साहब, करीब 25 साल का, नशे में धुत। बोर्ड को देखकर चिल्लाने लगा और इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने कांच तोड़ दिया। लगता है उसे इस नाम से बहुत ज्यादा प्यार है। शराब की दुकान है ना, ऐसा होता रहेगा। अपना काम करो। ठीक है साहब। भाई ए बड़ी। हाँ इधर आ रहा हूँ भैया। ये ले और जाके एक क्वार्टर लेके आ। ठीक है भैया। जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। है? उसने कहा नहीं दूंगा। नहीं देगा? ऐसा क्यों? पता नहीं भैया, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा फिर डांट के भगा दिया। चल मेरे साथ। सर एक छोटा सा क्वार्टर देना तो। ए चल उधर। तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरी जान, तुझे देखूं। गाना बहुत हुआ, ये ले पैसे, निकल। इसी ने बोला था ना साहब? साहब उस रात इसी ने हमारा बोर्ड तोड़ा था साहब। जाके तू बोर्ड लेके आ, मैं देखता हूँ क्या बोलता है। मुझे देखना हो गया तो विस्की की क्वार्टर बोतल दे। जा यहाँ से। इसकी ऐसी की तैसी हमेशा डांटता रहता है मुझे। अबे रुकना। फिर से गया तो वो मुझे मारेगा भैया, वैसे भी मेरे पापा के आने का टाइम हो गया है। ये लो आप, मैं जाता हूँ, बाय। सुन, उसने क्वार्टर मांगा तो दिया क्यों नहीं? पैसा दे रहा था ना, फ्री में तो लेने नहीं आया था ना। हाँ 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं बेची जाएगी। कानून का पालन करें, शराब की कालाबाजारी नहीं होगी। अगर जरूरी हो तो एज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये क्या है, ये स्कूल का टाइम टेबल लगा है क्या? देखता हूँ, आज मैं यही बैठ के पीऊंगा और तेरी ही दुकान से पीऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। रुको, अंदर बैठ कर पीने के लिए तुम्हारे साथ कोई और भी होना चाहिए। दूसरे के लिए फ्री में शराब मिलती है? नहीं, दूसरा तुम्हें ठीक से घर ले जाने के लिए होता है। ए, तेरा मालिक पागल है क्या? एक तो शराब बेच रहा है, ऊपर से मुझे कानून सिखा रहा है। ए, चल हट रहे। ए, ए, चल निकल यहाँ से। चल चल ना। इसकी उठ रे, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई बेवड़े। कल रात नौकरी पर लगने से पहले पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखी थी मैंने। गुड मॉर्निंग अंकल। रात में फिर मिलेंगे। रात में मिलने के लिए बचा क्या है? मुझे लगता है आज इसने भी रखी है। हम दोनों ने साथ में नाइट ड्यूटी की है या?
ए रुको, सीटी बजाओ, सीटी बजाओ। हाँ तुम ही बजाओ, जल्दी करो ना, जल्दी बजाओ, जल्दी बजाओ ना। क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे सीटी बजाने नहीं आती। हाँ? सीटी बजाने नहीं आती? ए भाई, यहाँ क्या कर रहे तू? मैं तो तेरे घर जाने की सोच रहा था। वो लड़की? हाँ लड़की। क्या सीटी? अरे बाप रे छोटू, क्या शॉट मारा! तुझे सीटी बजाने आती है क्या? कौन सी बड़ी बात है, तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने रॉकेट उड़ा दिया हो। एक टाइम के बाद अगर सीटी बजानी नहीं आती तो हम बेकार हैं। अरे भाई क्या हुआ? अरे मैं भी आता हूं ना। यहां क्यों आया? हे क्या है? अगर दोबारा कभी सीटी बजानी हो ना तो इसे बजा लेना, लेकिन दोबारा कभी किसी लड़के को रोक करके ये मत बोलना कि सीटी बजा, समझी ना? एक कौन था वो? बताया था ना, एक लड़का मिला था जिसे सीटी बजाना नहीं आता। ये देकर बोला कि खुद बजा लो। इतना गुस्सा हो रहा है ना मुझे। अबे पीना, इतना हिल क्यों रहा है? ए सीनियर्स को देखते ही गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। सॉरी सर। हैं? क्लास में टाइम हो रहा है सर, चलते हैं। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है इसका। सही है। ए बाजी, इसको हमारे क्लास में ले चल। आपकी क्लास में क्यों सर? मैं अपनी क्लास में जाऊंगा, वैसे भी यहाँ पढ़ने आया हूँ, घूमने नहीं। ए सीनियर के सामने ऊंची आवाज नहीं, सॉरी बोल। ए मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही सॉरी बोले, इसको गा के सॉरी बोलना होगा। और मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। चल गा। गाना? हाँ चल गाना गा। दिन मेरे लिए ठीक है, रात मेरे लिए ठीक है, दिन मेरे लिए ठीक है, रात मेरे लिए ठीक है। ए सुर में गाना। दिन मेरे लिए ठीक है, रात भी मेरे लिए ठीक है, दिन मेरे लिए ठीक है, रात मेरे लिए ठीक है, दिन मेरे लिए ठीक है, रात मेरे लिए ठीक है, दिन मेरे लिए ठीक है, रात मेरे लिए ठीक है, दिन मेरे लिए ठीक है, रात मेरे लिए ठीक है। इन खिलखिलाती हसीनाओं को जरा पीछे आने के लिए बोलो। ए इन खिलखिलाती हसीनाओं को पीछे जाने के लिए बोलो। ये तो सीनियर है। डोंट टर्न, बिना पीछे मुड़े यहाँ तक आना है। ये क्या है यार, लगता है कुछ करने वाले हैं ये लोग। डरा मत तो। चल चल निकल ले। अगर सीधे आ जाती तो ये मजा नहीं मिलता ना मुझे, मिस कर जाता। उसमें क्या है, फिर से ट्राई करो ना भाई, शायद इस बार चूम ले। हाँ मतलब ये किस करेगी? ट्राई करो। नहीं मैं नहीं, आप कुछ और बोलो तो कर दूंगी, पर मैं किस नहीं करूंगी। जो भी बोलूंगा वो करोगी? हाँ हमारे कॉलेज में एक फेमस लव स्टोरी है मधुरा और अजय की। ये अभी तक एक मिस्ट्री है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। तुम्हें इसकी वजह पता करनी है आज शाम तक। शाम तक नहीं, दो दिन का टाइम देता हूं मैं। अगर तुमने पता नहीं किया करोगी ना? उसके बारे में कैसे पता चलेगा सर? तो किस कर लो ना। ओके मैं पता कर लूंगी। जाओ।
रम्या, मार डालूंगी तुझे। मेरी बात नहीं मानी, कहा था देर हो जाएगी, अब देख। अरे कौन है ये? अरे मैंने आपके लिए सीटी नहीं बजाई, मुझे डर लग रहा था इसलिए बजाई। तुम मेरे साथ आने की सोच रहे हो? क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? थैंक्स अ लॉट। सुबह एक्साइटमेंट में आपको सीटी बजाने बोल दिया, आपने गुस्से में आकर मुझे सीटी दे दी। अब डर के मैंने हिम्मत जुटाने के लिए सीटी बजाई तो आप सामने आ गए। इंटरेस्टिंग ना? इतना डरती क्यों हो? पता नहीं, बचपन से ही शराब पीने वालों से डर लगता है। आपको पता है क्या, देवदास फिल्म में शाहरुख खान शराब पीता है, इसलिए मैंने वो फिल्म नहीं देखी। पियक्कड़ों से इतना डरती हूँ। अरे क्या कर लेंगे वो लोग, थोड़ी शराब पियेंगे, बातचीत करेंगे और फिर सो जाएंगे, बस इतना ही तो। छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, पूरे गाँव वालों को ड्रामा करके परेशान करेंगे। आपने किसी को शराब पीते देखा है क्या? देखा होता ना तो इस तरह बात नहीं करते, सीधे होकर चल नहीं पाते वो लोग। कभी इधर झूल जाएंगे तो कभी उधर झूल जाएंगे और पता नहीं किसके ऊपर जाकर गिरेंगे। ओहो, तो तुम उनसे डरती हो जो पूरे नशे में रहते हैं, मतलब कम पीने वालों से कोई परेशानी नहीं है? कम पीने वाले भी तो शराब ही पी रहे हैं ना, हम इन शराबियों की बात क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? अरे इतनी बड़ी बॉटल से दारू कैसे पी सकता दिन है यार? ये ठीक है, उसी पर काम कर रही हूं। दिन में अच्छा? ठीक है। जाना जाना। ओहो, और बेबी मेरा काम हुआ? उसी पर काम कर रही हूँ। किस पर? किसिंग पर? नहीं, मधुरा और अजय के ब्रेकअप की वजह जानने पर। ओहो, पर मुझे लगता है बेकार में अपना टाइम खराब कर रही हो तुम। तुम्हें मुझे किस करना ही पड़ेगा, कल लास्ट डे है, जा। अंजलि जल्दी चल, ये पागल मेरे पीछे क्यों पड़ गया है यार? किस करो बोल के दिमाग खराब कर दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार, फाइनली तुझे उसे किस करना ही पड़ेगा। एक दूंगी ना तेरा मुंह टूट जाएगा, किस करूंगी उसको? मेरा पहला किस उसी के साथ होगा जिससे मैं प्यार करूंगी, उसी के साथ सेटल हो जाऊंगी, समझी? पता है जब से मैं बड़ी हुई हूँ बच्चों तक को किस करना छोड़ दिया है मैंने, समझी? ऐसे में उस बैल को किस करूंगी मैं? तू उसे किस नहीं करेगी, ठीक है, अगर उसने तुझे किस कर लिया तो। उधर क्या देख रही है तू? अरे दिमाग खराब कर दिए मेरी बच्ची। उसकी वजह से तो तुझे शराब पीना छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं मधुरा छोड़ के गई, ये तो देवदास ही बन गया। मधुरा के जाने के बाद से पी रहा हूँ, पहले नशा नहीं करता था। पीता था लेकिन आजकल ज्यादा ही पीता है। तुम लोग हर बात में बीच में मधुरा को क्यों लाते हो? लेकिन सही कहूं भाई, बीवी से ज्यादा सुकून दारू में है। भाई एक और ऑर्डर। इस वक्त ये मिस्ड कॉल किसका है भाई? मेरे बात कीजिए। हे रम्या, वो नंबर अभी भी चालू है। उसने कहा काम हो जाएगा, परेशान मत हो। ए चकना देना थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करना, पूरा खत्म करेगा क्या? मुझे उस नंबर से कॉल आ रहा है, तो फोन रिसीव करके पूछ लेना आखिर बात क्या है। मेरा हो गया, मैं तो चला। मथुरा? यस। ₹143 missed calls.
हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, ये नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? सीनियर्स ने मधुरा जय के ब्रेकअप की वजह पता करने कहा। कॉलेज की दीवार पर ये नंबर लिखा था। कुछ क्लू पाने के लिए फोन किया। बात करके इन्फॉर्म करता हूँ। मेरा नंबर लिख लीजिए। हाँ बताइए। 9 8 6 4 1 9 2 9 5। लीला, ओके मैं अभी रखता हूँ। तूने मेरा फोन देखा है क्या लीला? कोई कॉल आया था क्या? हाँ आया था ना, पर जिसका सोच रहा है उसका नहीं। तू मधुरा से इतना प्यार क्यों करता है? वो शादी करके चली गई है, क्या पता वो कहाँ है। वैसे भी इतनी मिस्ड कॉल कौन देता है भाई? अगर ये नंबर मधुरा का हुआ तो मैं एक भी चांस मिस नहीं करना चाहता। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने कई बार फोन किया और तू कह रहा है कि वो मधुरा का नंबर नहीं है। जिसका भी हो सॉरी बोल दे। तेरे सॉरी की जरूरत नहीं है, वो तेरी लव स्टोरी जानना चाहती है। कॉलेज में सीनियर्स उसे रैगिंग कर रहे हैं, अगर उसे बता देगा तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ तो कम से कम इस लड़की को तू बचा लेगा। जब मधुरा से मेरा ब्रेकअप होगा तभी तो मैं ब्रेकअप की वजह बता पाऊंगा। हेलो लीला सर, मैंने अपने दोस्त को तुमसे मधुरा के बारे में बात करने के लिए बोला था। वो कह रहा है मधुरा से उसका ब्रेकअप ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप की वजह कैसे बता सकता है। सॉरी बोल रहा है। क्या कहा उसने? वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। और बेबी हुआ क्या, तैयार ना? आप तैयार हैं? किस लिए? किस करने के लिए ना? नहीं, मधुरा और अजय एक दूसरे से प्यार करते थे। मधुरा ने अजय को धोखा दिया था। कॉलेज में सब जानते थे कि मधुरा और अजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मधुरा का एक दूसरे लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। जब अजय को ये बात पता चली तो उसने मधुरा से ब्रेकअप कर लिया। ओए, इस बात की क्या गारंटी है तुमने जो कहा वो सच है? मधुरा और अजय की प्रेम कहानी अगर सच्ची है तो ये भी सच है। अरे यार तूने ऐसा क्यों किया? तो क्या करती, वो रोमियो कहता फिरता है मधुरा से ब्रेकअप नहीं हुआ तो वजह कैसे बताऊं? इधर ये मुझ पर मंडरा रहा था किस कर, तो मैंने सोचा अपनी खुद की कहानी बनाकर उसको घुमा देती हूँ। उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो? उसमें इतना दम नहीं है यार। लाइन में आओ, लाइन में आओ। भाई जरा एक क्वार्टर देना। क्या है अंकल ये, यहाँ कोई भगवान का प्रसाद बट रहा है क्या? ये लाइन लगी है, रूल्स हैं। हम क्या कर सकते हैं भाई, सब उनकी मर्जी से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? आप इस देश के सीनियर सिटीजन हैं और इतने सालों से पी रहे हैं, देश की इकोनॉमी आपसे है। हाँ, पर करे क्या? अब तुम पे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो रोज पीते हो? तुम्हारी उम्र में सुबह सुबह घूमने की ये जगह नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य है, नौकरी शादी बच्चे वगैरह, आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी ऐसे नहीं जीनी चाहिए कि हासिल करने के लिए कुछ ना हो। ये आदत छोड़ दो, चलो चलो आगे चलो, एक अच्छी जिंदगी जियो। एक क्वार्टर बिस्की देना। सर ऐसा भी नियम होना चाहिए कि एक लुटेरा दूसरे लुटेरे को ना लूटे, समझ रहे हैं? चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, हम भी कुछ ऐसे ही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सर शायद आप जानते नहीं हैं, ग्राहक भगवान के समान होता है, भगवान की अच्छी सी सेवा करनी चाहिए, तभी भगवान आपको आशीर्वाद देंगे और तभी आपका बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। एक काम कीजिए सर, ये कपड़े के शोरूम्स में जैसे गर्मी और सर्दी के सीजन सेल्स लगती है ना, उसी तरह दीपावली और दशहरे पे आप भी कुछ ऑफर रखा करिए, बड़ी बोतल के साथ एक छोटी बोतल फ्री। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। सर आपको नहीं लगता है मैं आपको बिजनेस करने का सही तरीका सिखा रहा हूँ? एक बार आजमा के देखिए। खोलो इसे। हाँ सर। कम से कम हैप्पी हावर शुरू कर दीजिए सर, दो पैक के साथ एक पैक एक्स्ट्रा मिलेगा। कुछ भी हो जाए ये नहीं सुधरेगा, हम बस ऐसे ही चिल्लाते रहे। कॉलेज में क्या हुआ? मधुरा के बारे में। मधुरा को क्या हुआ? कॉलेज में कुछ लोग मधुरा के बारे में बातें कर रहे हैं।
किसने किया ये सब? पता नहीं, शायद वो रैगिंग वाले कर सकते हैं। फोन कर उसे, फोन कर उसे। हेलो, हाँ अंकल, मेरे साथ है। कौन है? तेरे पापा। हाँ पापा, बोलिए। एंगेज बता रहा है। फिर से कोशिश कर। वो मेरा फोन साइलेंट पे था। हाँ, नहीं लग रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। हाय सर, आप यहाँ कैसे? किसी ने मधुरा के बारे में गलत लिखा है। तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हो ना, तुम्हें पता है किसने लिखा? इसका मतलब आप ही मधुरा के लवर हो? तुम्हें पता है किसने लिखा? अंजलि, ये किसका नंबर है? बार बार इस नंबर से कॉल आ रहा था, क्या हुआ? मधुरा का लवर लगता है। हा? लगता है इसे पता चल गया। नहीं, चुप रहो तुम, मुझे डराओ मत। अपना फोन दो और दो लॉक करो। वो गुस्से में तेरा भी फोन तोड़ सकता है, तू चुप रहना। लीला, आ जा। बॉस को तू कैसे जानती है? ये सब उसने ही करवाया ना। बोल, बता। अरे छोड़ उसको, नहीं तो वो मर जाएगी। तू भी तो एक लड़की है ना, किसी लड़की के बारे में ऐसा लिखते हैं क्या? मौत डालूंगा तुझे मैं। चल चल चल। अंजलि, अंजलि चुप हो जा यार, प्लीज रो मत। ये लीला ने दिया है। क्या हुआ, अभी तक परेशान हो? हाँ नहीं, मैं परेशान इसलिए नहीं हूं कि उसने मुझ पर गुस्सा किया या चिल्लाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर एक लड़का और लड़की का ब्रेकअप हो गया, कसूर चाहे जिसका भी हो, पर ज्यादातर लोगों ने कहा लड़की ने लड़के को छोड़ दिया। जब उस लड़की के बारे में गलत बोला जिसने उसे छोड़ दिया, तो उसे बुरा लगा। इसका मतलब उसे छोड़कर मधुरा ने ही गलती की ना? पता नहीं यार, लेकिन इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, टाइम हो गया है। हाँ बाय। मधुरा के बारे में कोई भी गलत शब्द कहीं नहीं दिखना चाहिए, हर जगह से मिटा दे। हाँ ठीक है। ए, हाँ? चल यहां से। माफी मांग रही हूं ना, और क्या करूं? तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए क्या करूं? कौन सी माफी? हाँ, कौन सी माफी? मैं कभी जबरदस्ती तुम्हें हग करूं, किस करूं और उसके बाद तुम्हें सॉरी बोल दूं, तुम इजली मान जाओगी क्या? अरे बोलो ना। सॉरी बोल रही है? सॉरी शब्द का इस्तेमाल लोग अपनी गलतियों पे किया करते हैं, ना कि जानबूझ के गलती करके सॉरी बोला जाता है। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? एक बात हमेशा याद रखना, किसी का दिल दुखाने के लिए एक छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है। और ये मत बोलना कि सॉरी बोलने से उसका दुख खत्म हो जाएगा। बे, बार बार सॉरी सॉरी का मैसेज क्यों भेज रही हो?
कल मैंने समझाया समझ में नहीं आया क्या? अब तुमसे किसने सॉरी कहा? क्या ये? कैसे कह सकते हो ये मैंने भेजा? किसी और को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। मतलब पूरी रात तुमने मेरे मैसेजेस के बारे में सोचकर बिताई ना? टॉपिक मत बदलो। तुमने भेजा है या नहीं? नहीं भेजे। तुमने नहीं भेजा? तो फिर मधुरा ने भेजा होगा। ठीक है। ए, वो मैसेजेस मधुरा ने नहीं, मैंने भेजे। कोई अनजान मैसेज करे, अनजान कॉल करे, तो इसका मतलब मधुरा ने किए हैं। और कोई नहीं है क्या? किसी और को याद नहीं कर सकते? बस मधुरा मधुरा मधुरा। सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हारी डिक्शनरी में सॉरी का मतलब क्या होता है, पर मेरी डिक्शनरी में सॉरी का मतलब है अपनी गलती स्वीकार करके दुख जाहिर करना। तुम्हें यही समझाने के लिए मैसेजेस किए थे। ठीक है कोई बात नहीं। फ्रेंड्स? क्या ये? वैसे भी हम दोस्त बन के क्या करेंगे? ऐसा क्यों सोचते हो? दोस्त बनकर हम फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर सब कुछ शेयर करेंगे। तुम्हें तो शराब पीने वालों से डर लगता है ना, तो फिर मुझसे बात कैसे करो? जब तुम नशे में नहीं होगे तब बात करेंगे, सिंपल। फिर कभी बात नहीं कर पाओगी। ओए, तुम आज नहीं पी रहे हो, तुम मुझे फोन करने वाले और मुझसे बात करोगे। ए रामू जी, वो फैन नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और ठीक करा इसे। जी ठीक है। रुको रुको, आज दुकान की छुट्टी है, जाओ। छुट्टी है? लेकिन क्यों? आनंद सर के दादाजी का बर्थडे है। मेरे जैसे बेकार आदमी जन्म लेने के बाद बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। अगर आज ये दुकान बंद रही तो फिर मेरे बर्थडे का क्या होगा? तुम अपने दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो क्या? बेवकूफ हो जैसी बात कर रहे हो। चलो खोलो। अरे रे, रुको रुको, मेरे दादाजी के बारे में नहीं पता तो पूछो, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। सर और इनके दादाजी रोज एक दूसरे से बात करते हैं। ओ ऐसा क्या? आप लोग लंच टाइम में क्या करते थे सर? हमारे दादा पर दादा को किसी पे गुस्सा दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे पूर्वज शांति के प्रतीक हैं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दी है, इसलिए इस दिन मैं दुकान की छुट्टी रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। आज जिस आजादी में सांस ले रहे हो ना, वो उन्हीं की देन है। कम से कम एक दिन के लिए तो चैन से जियो। सर इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं? सपोज की जवानी में आपके दादाजी मेरी और आपकी तरह शराब पीते हो तो? मैंने कभी नहीं पी। चलिए मान लेते हैं मेरी तरह पीते हो तो? अगर उनका आज पीने का मन होता तो क्या आज आप उनको ऐसे ही लौटा देते? हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हिंसा का मार्ग छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा सर? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? मेरी बात मानिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलिए। अच्छा ये बताइए, आप शाकाहारी या मांसाहारी? इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये मांसाहारी हैं। सर आपके दादाजी की कोई गलती नहीं है, गलती हमने की है उनकी बातें ना मानकर। अगर आपके दादाजी का बर्थडे होता तो सेलिब्रेशन एक दिन पहले ही शुरू हो जाता। अब बताइए इसमें मेरे दादाजी की क्या गलती? आज मेरे दादाजी का बर्थडे है, अगर मैंने उसे ढंग से सेलिब्रेट नहीं किया तो वो कितना बुरा मानेंगे पता है? मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। चल भाई, जैसे होगा वैसे ही करते हैं। उनकी मैरिज एनिवर्सरी का डेट पता करते हैं, शायद ही उस दिन भी दुकान बंद कर देंगे। कल तुमने मुझे मिस किया होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों मिस करूंगा? कल मैंने कहीं देखा कि कहीं शराब नहीं बिकेगी तो मुझे लगा तुम कॉल करोगे, पर तुमने तो फोन काट दिया। अच्छा वो, हम तो पार्टी कर रहे थे। क्या कहीं नहीं मिले तो भी पीते हो? अरे हर चीज को जानने की बड़ी बेचैनी है तुम्हें, क्या है ये? बाप रे, कब यक्कर लगता है। वाइन शॉप बंद होती है ताकि लोग ना पिए। ऐसे पीना नहीं बंद होगा, शराब पे ही बैन लगाना पड़ेगा। वाइन शॉप्स की कुछ ही छुट्टियां हैं तो बीच में बिक्री बंद कब करें, बात कब करें? एक्चुअली वैसे तुम रोज क्यों पीते हो? तुम्हें पता है ये बस एक मेडिटेशन है, थोड़ा सुकून मिलता है इससे। ज्यादा मेडिटेट करोगे ना तो लिवर खराब हो जाएगा, पता है ना? मेरे लिवर खराब होने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, वैसे भी 10 दिन आराम करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह, सिगरेट भी पीते हो तुम? एक बार ट्राई किया था, कुछ अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया। जिससे कुछ फील नहीं होता वो नहीं चाहिए तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मुझे कुछ महसूस होता है, नहीं तो मैं तुमसे बात क्यों करता?
कुछ मतलब क्या महसूस होता है? कुछ मतलब अच्छा लगता है जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो अपने अंदर एनर्जी फील करता हूँ। क्या तुम मथुरा से भी ऐसे बात करते थे? मथुरा से ऐसे क्यों बात करूंगा, मथुरा तो मेरा प्यार है, उसकी बात अलग है। अलग मतलब? अलग मतलब अलग है। असल में प्यार क्या है मुझे बताओ ना। मधुरा के लिए जो मेरी फीलिंग है ना, उसे ही प्यार कहते हैं। तुम्हारी वो फीलिंग्स कैसे जानूंगी? जिसे हम प्यार करते हैं ना, वो हमारी फीलिंग अच्छी तरह से जान जाते हैं। ए, इसका मतलब क्या है? नो कॉल्स ओनली व्हाट्सएप। ये लड़की पूरी पागल है। रुको, बोला था ना यहाँ पीना है तो किसी को साथ लेकर आना, रोज बताना पड़ेगा। तेरा मालिक है ना? क्या सर, बिजनेस कैसा चल रहा है? क्यों, तुम्हें नहीं पता है? तुम भी तो मेरी तरह दुकान पे ही जा रहे हो क्या? सर, ओनर सेटिस्फेक्शन नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है प्यार से देखना। ओह, तुम कितनी लड़कियों से प्यार करते हो? किसी तरह एक लड़की की जिंदगी तो बच गई, अब दूसरी के साथ खेलना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे ही नॉर्मल चैटिंग है, व्हाट्सएप। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला उसे? पीने के बाद तुम क्या बात करते हो उसे पता भी है? किसी लड़की से मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा। सर सर एक और मैसेज है, इसका मतलब क्या हुआ? लगता है तुमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं, समझ में नहीं आया मैसेज कर रही है। ओ, इतना बड़ा अर्थ होता है इसका? लोग शब्दों के जरिए अपनी फीलिंग क्यों नहीं व्यक्त करते, ये सब पता नहीं क्या भेजते रहते हैं। क्योंकि तुम्हें कोई इमोशन समझ में नहीं आता ना। सर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अच्छा आप मेरे बारे में सोचते क्या हैं? अच्छा सर आपकी कोई बेटी है? ए, मैं बस पूछ रहा हूँ। अच्छा सर एक बात बोलूँ, मान लीजिए आपकी बेटी की शादी के बाद आपको ये पता चले कि उसका पति शराबी है, तब आप क्या करेंगे? सर सर जरा साइड में लगाइए। ओके सर कल मिलते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी एक रिक्शे वाले से करवाना पसंद करूंगा, लेकिन एक शराबी के साथ कभी भी नहीं। सॉरी सर। सॉरी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी एक पियक्कड़ से नहीं कराना चाहेगा, बस यही कहा ना उसने, इसमें हंसने की क्या बात है तुम्हारी बेवकूफी के अलावा। आज के जमाने में शराब कौन नहीं पीता, ये आजकल का फैशन हो गया है। मुझे उनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, तुम देखना उन्हें अपने दामाद के रूप में कोई पियक्कड़ ही मिलेगा। तुम्हारा मतलब है ऐसे लोग नहीं है जो नहीं पीते? क्यों नहीं होते, होते हैं पर मिलते नहीं है। श्रीदेवी जैसी हीरोइन ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसी तरह से जो शराब ना पीता हो उसे ढूंढना भी मुश्किल है। हमारे देश में शराब पीने वाले जुर्म नहीं करते हैं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक पीने वाले ही ज्यादा जुर्म करते हैं। अब ठीक है, हम इस बात पर इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? उसने कहा वो उसकी ओपिनियन है, छोड़ो। पता है मैंने डब स्मैश बनाया, देखोगे? मैं सब छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। क्योंकि तुम कुछ भी करते हो मुझे गुस्सा आता है। क्या अच्छा नहीं है? मैं सब छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा क्योंकि तुम कुछ भी करते हो मुझे गुस्सा आता है। ये हंसने वाला कॉमेडी सीन नहीं है, गलती होगी जो तुम्हें दिखाया। ए, रुको तो सही। अंजलि, अंजलि रुको ना, क्या हुआ तुम्हें? हर कोई मेरी टांग खींचता है, तुम मेरे डब स्मैश पर हंसते हो और वो मुझसे किस मांगता है। कौन? तुम्हारी ब्रेकअप की वो कहानी इसी की वजह से बनाई थी, अब इसे पता चल गया है कि वो झूठ था, अब किस मांग के तंग करता रहता है। आजा बे।
हे बेबी, कब किस करोगी मुझे? पहले तो मौका चूक गया था। क्या मैं किस कर सकता हूँ? अज्जू, तुमने उसे किस किया तो हमारी दोस्ती खत्म बस। क्या ये यहाँ खड़ा है तो हीरोइन बन रही है? क्या रात भी सही है, दिन भी मेरे लिए सही है। ए, अपने लोगों को बुला के ला। हेलो, भाई की लड़ाई हो गई है, जल्दी से ग्राउंड में आ जाओ। ये ठीक है ना? तूने मुझे मारा? इस कॉलेज से बाहर तू स्ट्रेचर पे जाएगा। पता है इस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूं मैं। चल पीछे। कॉलेज में तुम्हारी अच्छी फैन फॉलोइंग है। ये सब मेरे फैंस नहीं हैं, तुम्हारे और तुम्हारी लव स्टोरी के फैंस हैं। ओह। इन सबको मार, एक भी बचनी नहीं चाहिए। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। अगर एक भी लड़की ने पलट के थप्पड़ मारा तो पूरे कॉलेज में अपनी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए मेरी बात मानिए भाई, रिस्क मत लो। बोल। हेलो। अरे कुछ नहीं, बस छोटी सी प्रॉब्लम है, आप लोग जाइए। थैंक यू। ए, कौन है जो मेरे दोस्त के सामने हीरो बन रहा है? रे ये है। मधुरा के बारे में तूने ही सबको गलत बताया ना, तेरी वजह से वो मुझे छोड़ के गई ना। क्या किया था उसने? बस तुझे प्यार करने की गलती, उसने मुझे इग्नोर करके तुझसे प्यार किया। जानबूझकर तेरे बारे में अफवाह फैलाई मैंने कि वो तुझसे नफरत करने लगे। इतना क्यों फिदा था उसके ऊपर, मजा ज्यादा आता था। क्या देख रहा है उसे? हाँ, जाके इसके पापा को बता देगा। जा, जाना। जा बता, जाके बता दे। जा बता ना। हाँ, जा, बोल। हम किनारे बैठे भैया, नदी जोश में बहती है, पानी में परछाइयां हमारी मिलके एक हो जाती है। ओ प्यारी, ओ प्यारी, दिल की बात मेरी सुनता जारी। रोक पाया न तुझको मैं, रोक पाया न तुझको मैं।
क्या हुआ भाई? सही कहा, अनजाने में गलती हो गई यार। असल में हुआ क्या है बताना? अच्छा, मैंने अंजलि को किस कर दिया यार। तुझे किस करना पड़ा? कितनी आसानी से कह रहा है यार, जैसे बता रहा हो कि लाइट ऑन करनी पड़ी। वो बेचारी लड़की अपनी कॉलेज के रैगिंग प्रॉब्लम में हेल्प के लिए हमारे पास आई थी और तूने उसको किस कैसे कर लिया यार? क्या कमाल का आदमी है तू। कोई बात, अरे कहाँ चला गया? हाँ, वो मुझे ऐसे कैसे चूम सकता है? सिर्फ उसकी सनक चलेगी क्या? कल आने दो उसे, बताती हूँ मैं उसको। अंजलि, क्या है? वो क्या है कि उस दिन जो खुश हुआ उसके लिए सॉरी बोलने आया हूँ मैं। उस दिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था, सॉरी। सॉरी मत बोलो तुम, याद है ना तुमने कहा था अगर मैं एक बार तुम्हें किस करूं, हग करूं और आखिर में सॉरी बोलूं तो मौके बोलोगी क्या? मैं नहीं छोड़ूंगी, सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अंजलि, वो बात अलग थी और ये अलग है। क्या फर्क है, क्या फर्क है? तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरी शर्ट में गांठ लगा सकते हो, पब्लिकली किस कर सकते हो, ये गलत नहीं है? बोलो ये अलग है, बोलो। क्या क्या सोचा था मैंने अपनी पहली किस को लेकर, ये ऐसे आया और ऐसे चला गया। क्या? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने किस वाली मूवीज नहीं देखी, मुझे लगा रियलिटी में उसका थ्रिल चला जाएगा। जब उनके चेहरे एक दूसरे के पास आते थे मैं आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन आज। तुम्हारे फर्स्ट किस में कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा। तुम्हारा फर्स्ट किस बहुत अच्छी तरह से होगा, मैं कह रहा हूँ ना। क्या होगा? तुमने ये सब किया है। सॉरी, भोला बन रहा है। अच्छा, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए? बताओ ना क्या करूं मैं। प्यार करो मुझे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन मुझे लगा। क्या लगा? इस वक्त मैं जो तुमसे कह रही हूं इसी को प्यार कहते हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों? मुझे किस करते वक्त नहीं सोचा, अब तुम्हें टाइम चाहिए? देखो, मेरे पहले किस को फेल मत होने दो, प्लीज। वो क्या है कि मुझे भी प्रॉपर किस करना नहीं आता है। ठीक है, पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करूंगी। तुम्हारा मुंह थोड़ा आगे क्यों है? क्यों? अच्छा नहीं है? अच्छा क्यों नहीं है? इससे किस करने का डिस्टेंस कम हो जाता है। मैंने कहा ना मुझे किस करना नहीं आता है। यहां इधर खड़ी हो। ₹110 दो। बोलिए एसआई सर। अच्छा आनंद, उस नकली गैंग के बारे में कुछ बात करनी है। जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाइए। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अंजलि, क्या हुआ? अजय को कल रात ड्रंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट किया था, काउंसलिंग चल रही है अंदर। कितना टाइम लगेगा? ए! हाँ? इतनी देर क्यों लगी?
ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनको अच्छी तरह से जानता है तू। तुम यहाँ क्या करने आई हो? पता है कितनी टेंशन हो गई थी मुझे जब लीला ने मुझे फोन करके बताया कि तुम पुलिस स्टेशन में हो। क्या जरूरत थी तुझे बताने की? हाँ, बेचारी जबरदस्ती टेंशन ले रही थी। ऐसे तुम बहुत प्यारी लगती हो। चलो चलते हैं, आ जाओ। हेलो, एक मिनट। अंजलि, फाइन भरने के लिए मैंने उसे पैसे लिए थे। थैंक्स। तुमसे किसने कहा? ये लीला भी ना। हाँ, शाम को मिलके बात करते हैं, ठीक है? सर, आप यहाँ कैसे? मतलब तुम्हारी बात अब थाने तक पहुँच गई? ऐसी कोई बात नहीं है सर। अज्जू। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना व्हाट्सएप। काम है तुम्हें यहाँ? हाँ, क्या काम है? हाँ, इसे क्यों मार रहे हैं आप? प्यार तो मैं आपकी बहन से करता हूँ ना। क्या बोल रहा है तू यहाँ पे? ये कोई मदुरा वाइन की शॉप है जो मन में आएगा बकता जा रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, एक बार मेरी बात सुनिए। कहना क्या चाहता है तू? हाँ सर, मुझे आपको कुछ बताना है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, इसमें आपकी बहन का कोई कसूर नहीं है। तुम यहाँ क्यों भाई? क्या बंदर? अंजलि, एक मिनट रुको। घर वाले अपनी तानाशाही दिखाते हैं हमें, ये हमें अपनी जागीर समझते हैं। बात ना बने तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अरे तुम इन्हें बोल दो, इनके बिना तुम मर नहीं जाओगी, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलता हूं अंजलि। बात समझ नहीं आती ना? नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, मत मारो, मत मारो मुझे। चलो, हाँ, रोकेंगे फिर कभी? ये, हाँ, बात, मुझसे जबान लड़ा, मुझसे, मत मारो, लड़ाई में जबान, ये ले। तुमने सही कहा था, तुम मेरे पास नहीं भी होते हो ना, तब भी तुम्हारी महक मुझ पे छाई रहती है। अंजलि, पानी पी लो बेटा। अंजलि, खाना नहीं खाऊंगी। भैया, राखी रख दो। सर,
नहीं बंधवानी है मुझे। क्या हुआ भैया, आपको राखी बांधने का हक नहीं रहा मेरा? अगर आपको कुछ कहना है, मुझे डांटना है तो डांट लीजिए ना, लेकिन मुझे गैर मत समझिए प्लीज, मैं ये नहीं सह पाऊंगी। क्या तुम सच में जानती हो राखी क्यों बांधी जाती है? बहन को यह विश्वास दिलाने के लिए उसका भाई हर मुसीबत में ख्याल रखेगा। एक बहन को अपने भाई पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है। हर साल राखी के मौके पे तुम्हें तुम्हारे पसंद का गिफ्ट देता था, इस बार मुझे डर है पता नहीं तुम कौन सा गिफ्ट मांग लो। तुम्हारी ख्वाहिशें मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही हैं। जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिससे नफरत करते हैं, जब वो जिंदगी का हिस्सा बनने लगे और सबसे खास होने लगे, तब हम उनके लिए चॉइस बन जाते हैं। इसीलिए बहन, कोई जरूरत नहीं है इस त्योहार को मनाने का। इस साल नहीं तो अगले साल मना लेंगे। एक क्वार्टर दो। मैं हूँ थोड़ा बदनाम, है पीना ही मेरा काम, कितना बढ़ गया दाम, फिर भी मस्त है मस्त राम, अरे मस्त है मस्त राम। सब ठीक तो है ना भाई? भाई जरा इसे पकड़ना। Hey, ये लो। सर इस तरह टेंशन में मत रहिए आप। आपको देख के मैं परेशान होता हूं। जब भी मैं आपको काउंटर पे देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग पैक की फीलिंग आती है मुझे, लेकिन अब लग रहा है जैसे कि उसमें पानी मिला दिया गया हो। ये गलत है सर, आप इस तरह से परेशान मत होइए। परेशान कैसे नहीं हूँ मैं, मेरी बहन से प्यार किया है तुमने, तुम्हारे जैसे इंसान को तो। मेरा बायोडाटा जानते हैं आप सर, इसे जरा पकड़िए। ठीक है सर, आपकी टेंशन कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए सर। मेरी बहन की जिंदगी से दूर हो जाओ। मैं जानता था आप यही कहेंगे। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दुख होगा, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसे छोड़ दिया तो मुझे बुरा लगेगा, नहीं छोड़ा तो आपको लगेगा। ए, तू पागल हो गया है क्या? हमारे प्यार की वजह से आप ये सब झेल रहे हैं सर। ओके सर, आप इतनी ईमानदारी से बिना मिलावट की शराब हमें पिलाते हैं, मैं आपको दुखी नहीं कर सकता हूं। मैं जा रहा हूं सर, आप खुश रहिए बस, मैं यही चाहता हूं। तो सच बोल रहा है या कोई गेम खेल रहा है? सर नशे में हूं मैं, आपको मेरा विश्वास करना होगा। शराबी की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। इन अफवाहों पे यकीन करना बंद कर दीजिए, विश्वास करिए सर। शराब की बोतल पर लिखा है सिंस 1918 नंबर, आनंद सिंस 2018 की बात होनी चाहिए। आपका सर हमेशा ऊपर रहना चाहिए। चलता हूं सर। रात भर शराब पी के कहां पड़े थे? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने एक भी बार जवाब नहीं दिया। पहले इतनी टेंशन कम है क्या जो तुम और टेंशन दे रहे हो? फोन साइलेंट पे था, ध्यान नहीं दिया। बताओ क्या हुआ? मुझे अपने साथ कहीं ले चलो प्लीज। इस वक्त बहुत टेंशन में हो तुम, एक काम करो घर जाओ, बाद में बात करते हैं। मुझे क्या पागल समझते हो? ले चलोगे या नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो मेरे पापा ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में है, ये कभी सोचा नहीं तुमने? मेरी जगह मधुरा होती तो भी ऐसे ही करते? तुम्हारी जगह मधुरा होती तो मेरे पापा स्पाइडरमैन या सुपरमैन नहीं बन जाते, उनकी प्रॉब्लम वैसी ही रहती। समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? जाओ। अगर तुम किसी लायक नहीं हो तो प्यार क्यों किया तुमने? हाँ ठीक है, मैं लायक नहीं हूँ,
मैं तो तुमसे भी बात करने के लायक नहीं था लेकिन मैंने बात की ना। तुम्हें बाइक पे घुमाने के लायक नहीं था लेकिन तुम्हें घुमाया। तुमसे प्यार करने के भी लायक नहीं था लेकिन तुम्हें प्यार किया। लेकिन ये बात भी सच है, मैं तुम्हें भगाने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो छोड़ दो मुझे, भूल जाओ ना मुझे। तुम पर विश्वास करने के लिए मुझे खुद को चप्पलों से मारना चाहिए। मधुरा के लवर अजय, गुड बाय। मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, अगर आज तो मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं तुम्हारे भाई के बिजनेस को बढ़ाने में काम आऊंगा। ब्रेकअप का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वो सहो। एक तरफ कहते हो दर्द नहीं देना चाहते और दूसरी तरफ दुख पहुंचा रहे हो। तुम्हारी वजह से रोज मेरा साइड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मिनट पहले साइको की तरह बात कर रहे थे और अब साइड इफेक्ट्स? सच बताओ तुम, तुम्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्या? शराबी क्या चीज है, वाह 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 भाई वाह, जिंदगी खूबसूरत बनाती है, वाह 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 भाई वाह, ये न हो तो। ये न होती तो फिर मैं शाम अपनी गुजारता कैसे, इसी के सहारे तो दोस्तों से मिलता हूँ, जिंदगी खूबसूरत बनाता हूँ। हे लीला, देख तो क्या बढ़िया पार्टी चल रही है। क्या सर इतना बदला, हैप्पी हावर लॉन्च कर दिया, आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी। रामो, हैप्पी हावर आपके चेहरे पे दिख रहा है सर। ये सब तुम्हारी देन है सर। हैप्पी हाउस का मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो, कस्टमर को भी खुश रखना बहुत जरूरी है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है इसलिए मैंने हैप्पी हाउस तुम्हारे लिए रखा है। मधुरा वाइन्स में आज से कोई नियम नहीं है, मजे करो। मेरे लिए इतने ऑफर क्यों सर, मैंने क्या किया है? तुमने कहा था ना कि तुम मेरी बहन की जिंदगी से चले जाओगे, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सर को ना तो ये बिजनेस समझ में आता है और ना ही पीने वाले समझ आते हैं। रात में पीने के बाद आप ये वादा करें ये शॉप आप मुझे दे देंगे, नशा उतरने के बाद ऐसा करेंगे आप? पीने के बाद हम बहुत कुछ बोलते हैं सर, इसे इतना सीरियस मत लीजिए। क्यों रे, गेम खेल रहा है तू? मुझ में कमी क्या है सर, बस मैं पीता हूँ यही तो है। एक कमी नहीं सैकड़ों कमी है तुझमें। सुबह घर से निकलने के बाद पता नहीं रात में कब घर लौटते हो, पीने के बाद भिखारियों की तरह सड़क पे गिर जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम किस हाल में हो, कैसे हो। जब तक सामने होते हो मन उखड़ा रहता है। क्या चाहते हो, मैं अपनी बहन को नरक में धकेल दूं? पता है तुम्हें कुछ घरों में बच्चे अपने शराबी बाप से डर के जिंदगी जी रहे हैं, ये भी कोई जिंदगी है? शराब पीना, सड़कों पे लड़कियों से छेड़खानी करना, किसी के साथ मारपीट करना, हत्या, बलात्कार, ऐसी 100 प्रॉब्लम्स है। असल में यही सारी समस्याओं की जड़ है। आदमियों की गलती के लिए शराब को दोष मत दीजिए। अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, सबके लिए शराब एक कीमत पे मिलती है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए कीमत कम नहीं हो जाती है। सर, नशे में कोई होता है तो अपराध नहीं करता है, बल्कि कई अपराधी तो शराब भी नहीं पीते हैं। जो शराबी नहीं होते हैं ना वो घोर अपराध करते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा चलता है ना। वो सब छोड़िए सर, आप देखते हैं ना मैं रोज पीता हूँ, बताइए ना मैंने कितनी लड़कियां छेड़ी या कितने मर्डर कर दिए, बताइए ना। चलिए मुझे भूल जाइए, उस आदमी को देखिए। अच्छा, उस आदमी को देखिए और वो पीछे वाले को। दो पिया दो शराब। ऐसे लोग भी होते हैं, तुम लोग की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। तेरी तो एक कमीने, अगर अपनी बीवी को मारना ही था तो शादी क्यों की उससे, तुझे तो। अबे शुक्र मना कि उसके बाप ने तुझे अपनी बेटी दे दी है, उसे दोबारा हाथ मत लगाना। तेरी तो उसे सही गलत की सीख दे रहा है,
और तूने क्या किया? छोड़। तू भी तो उसकी तरह शराबी ही है। सर, इसमें और मुझमें बहुत फर्क है। ये पीने के बाद अपनी बीवी को मारता है और मैं इसे मार रहा हूँ। ये आपका हैप्पी आवर नहीं है सर। चलो चलो। यहाँ किस लिए आए हो? एक छोटा सा काम है तुमसे। बताओ। इसको वार्निंग देनी है। ये है, इससे मुझे भी एक हिसाब बराबर करना है। इसका मतलब वो लड़की जो उस दिन पुलिस स्टेशन में उसके साथ थी, वो आपकी बेटी या बहन होगी। जो बोला वो करो, फालतू की बातें मत करो। अगर मुझे वो करना है जो आप चाहते हो, तो मेरा ये पूरा स्टॉक अपनी दुकान में रखवा कर बेच दो। आप ईमानदारी से काम करते हो ना, तो किसी को भी शक नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरह मिलावट का काम नहीं करता। जितने पैसे चाहिए ले लो, और जो बोल रहा हूँ वो करो। हेलो, फिर आप जो कर रहे हैं उसका क्या? जब कोई आकर तुम्हें काम सौंपता है तो सिर्फ काम की बातें करो, दूसरे काम के बारे में नहीं। भाई देर हो गई थी तो मैंने स्टॉक नीचे कमरे में रखवा दिया है। मैंने कितनी बार कहा कि घर पे स्टॉक मत रखा करो। सुबह आपको उठने से पहले भिजवा दूंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है भाई। हे रामू। हाँ भाई। जाओ उसे फुल बोतल दे के आ। ठीक है भाई। एक मिनट, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हे, भाई ने तुम्हें देने के लिए कहा है। लो पकड़ो। अरे भाई लो ना। सुना नहीं? बात क्या कर रहा है? दे के आने के लिए बोला था ना। ये नहीं ले रहा है भाई। रात 10 बजे के बाद भगवान भी आ जाए तो भी नहीं भेजता हूँ, पर तुझे दे रहा हूँ, ये लो। कम से कम अब सब कुछ छोड़ के अच्छे इंसान बन जाओ। समझा अपने दोस्त को? ए भाई चलना, अगर वो फिर से आ तो हमें मार देंगे वो। प्लीज मेरी बात मान। चल भाई चलना। सर क्या रे, मेरी बहन को अपने जख्म दिखा के सिंपैथी पाना चाहता है क्या? इरादा क्या है तेरा? हैप्पी बर्थडे। क्या? हैप्पी बर्थडे। आप दोनों का बर्थडे सेम डे है ना? सिर्फ मैंने नहीं सर, मार उसने भी खाई है। मैं तो चलकर यहां तक आ गया, वो तो वहीं ढेर हो गया है। अजय, 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 तुम यही हो तो बोल सकते थे ना। अंकल को पता है? उनको नहीं पता है। रात को जब मैं आया अब तो वो सो गए थे, जब उठा तो वो ड्यूटी पे चले गए थे। अंकल को मत बताना, परेशान हो जाएंगे। अगर कोई इश्यू है तो बैठकर बात करनी चाहिए, लड़ाई क्यों करनी? पहली बार मुझे भैया पर इतना गुस्सा आ रहा है। वो तुम्हारे भाई है, उन्हें टेंशन तो होगी। क्या अजय, तुम मेरे भाई को सपोर्ट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे भाई ने करवाया इसलिए मैं कल रात तुम्हें जाके विश किया, नहीं तो मैं नहीं करता। कल रात को नहीं तो तुम अगले दिन विश करते। सच सच बताओ, अगर मैं विश नहीं करता तो तुम चुप रहती? वो बात की बात है। दर्द हो रहा है।
कोई है? भाई आप शराब पी रहे हैं? मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, तुम जाओ। भाई कल मैं दुकान पर नहीं आऊंगा, अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जाना है भाई। अगर कुछ जरूरत पड़े तो फोन करना। जी ठीक है, जाओ। क्या हुआ सर, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा? सारे अच्छे ब्रांड्स तो आप ही पी रहे हैं सर, इसलिए दुकान में कुछ बचा ही नहीं होगा। टॉप क्वालिटी की शराब है ये, खासियत क्या है इसकी? वो सब नहीं पता सर, उसके बारे में मैं नहीं जानता। लाइए दीजिए, मेरे लिए सब एक जैसी है। सर कोई पीता कैसे है इसको? कोई इस तरह से नहीं पीता है सर, ये नीट है। लाइए मैं बनाता हूँ। नीट पिया तो क्या होता है? कहते हैं ना कि लोग पीने से मर जाते हैं, लेकिन नीट पीने से जल्दी मर जाते हैं। मेरी जिंदगी में तू नीट की तरह है, रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। नीट में सोडा और पानी मिलाकर अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत कर। तू नहीं जानता कि एक भाई अपनी बहन के बारे में क्या क्या सपने देखता है, कभी नहीं जान पाएगा तू। गरीब परिवार था हमारा, बाप लॉरी ड्राइवर था। गरीबी की हमें कोई फिक्र नहीं थी, पैसे आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। जब मैं 10 साल का था तो बाप को माँ की पिटाई करते देखा करता था। काफी दिनों तक ये सब देखता रहा। बहुत ज़बान चलाने लगी है। मैं तब समझ नहीं पाता था कि रात में मेरे बाप को हो क्या जाता है। दिन में तो वो बहुत प्यार से पेश आते थे, लेकिन रात में हैवान बन जाते थे। रात में मुझे घर जाने से भी डर लगता था। एक रात बाप ने शराब के नशे में फुटपाथ पर सोए 10 लोगों के ऊपर लॉरी चढ़ा दी और जेल चले गए। तब से हमारे लिए रात और दिन एक जैसे हो गए। कुछ दिनों के बाद जेल से एक खबर आई। तुम अपने पति से मिल सकती हो, ठीक है? मैं बहुत उम्मीदों के साथ वहां गया। मुझे लगा मेरे बाप भी मुझसे मिलना चाहते होंगे, लेकिन बेटा बोलो ना पापा। एक क्वार्टर ला दे बेटा, क्वार्टर ला दे बेटा बस। वो जेल में भी अपने 10 साल के बेटे से शराब मांग रहे थे, और उसी दिन से मुझे शराबियों से नफरत हो गई। जी बेटा, माँ की जिंदगी में जो भी गलत हुआ था वो बहन के साथ नहीं होने दूंगा। मैंने पैसा कमाने का फैसला किया, कोई काम नहीं छोड़ा। ट्रक के क्लीनर से शुरू करके कई ट्रकों का मालिक बन गया, रियल इस्टेट का काम भी किया। इन 20 सालों में बड़े बड़े नुकसान और फायदे देखे हैं। डरता था कि कोई गलती हो गई तो अंजू की जिंदगी पर असर पड़ेगा। वाइन शॉप खोलना मुझे पसंद नहीं था, पर उसके लिए किया। इस तरह अपनी बहन के लिए एक घेराबंदी के अंदर बहुत सतर्क होकर जिंदगी जी है मैंने। तो आज उस घेराबंदी को लांग कर अगर उससे ये कहूं कि ये लड़का उसके लिए बहुत परफेक्ट है, तो वो लड़का भी तो काबिल होना चाहिए ना। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी तो होना चाहिए।
लेकिन उसकी जिंदगी में जब तुम आए तो मुझे लगा मैं 25 साल पीछे चला गया हूं। सर आपको चढ़ गई है सर। छोड़ दो मुझे। सर चलिए घर चलते हैं। ए, जब लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरा जीजा क्या करता है तो क्या बताऊंगा उन्हें कि शराबी है वो, रोज मेरी दुकान पे शराब पीने आता है। हाँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गलत हो, बस ये बोल रहा हूँ कि मेरी बहन के लिए सही नहीं हो। प्लीज उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। जब उठेंगे तो इन्हें छांस पिला देना, सर हल्का हो जाएगा। उसकी जिंदगी से दूर हो जा। असल में क्या हो रहा है जय, मैं समझ नहीं पा रही हूं। सोचा नहीं था भाई को ऐसी हालत में देखूंगी। शर्म आ रही है मुझे ये सोचकर कि इस सब की वजह मैं हूँ। तुम्हारे भैया दो पैक पी करके अपना दुखड़ा सुनाना चाह रहे थे, और कोई बात नहीं है, कल सुबह तक उठ जाएंगे वो। ये बहुत छोटी सी बात है। ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। रोज रोज शराब पीकर जानवर बनते जा रहे हो तुम, थोड़ा तो इंसानों की तरह सोचो। हाँ मैं एक जानवर हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, सारे इंसान जानवर हैं। यहाँ सब खुद के बारे में सोचते हैं और जानवर ही ऐसा करता है, अपनी खुशी के लिए दूसरों का शिकार करते हैं। तुम्हारे भैया भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे भैया शाकाहारी हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे भैया भी मांसाहारी हैं। ओह, जब तुम्हारी बात आई तो हम सब जानवर हो गए। जानवरों में भी दिल होता है, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारता, पर तुम तो मुझे ही मारने पर तुले हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें दुख देने लग गया? पहले तुम्हें नहीं पता था कि मैं पीता हूँ? पहली बार जब मैं तुमसे मिला था ना तभी तुम्हें पता चल गया था कि मैं पीता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज पता चल रहा है और उसके लिए आज तुम मुझे अवॉइड करना चाह रही हो? हेलो, तुम प्यार प्यार तो बोलती हो लेकिन तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता है। जाके मतलब सीख के आओ, प्यार का मतलब सिर्फ मजे करना ही नहीं होता है। मुझे लगता था तुम अपने दिल की बातें कह रहे हो, पता नहीं था नशे में बकवास करते हो। उसको तुम्हारा प्यार समझा मैंने। प्यार का मतलब भी जानती हो तुम? जैसा पैदा हुआ बच्चा होता ना बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके पैदा होते ही उसे कपड़े पहनाते हैं, पाउडर लगाते हैं, सेट लगाते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं। उसे तुम प्यार समझ रही हो। अब उनको क्या कह सकते हैं जो सच्चे प्यार को नहीं समझ पाते। तुम अपनी शर्तों पे जीना चाहते हो ना, अगर तुम्हारी पसंद ना पसंद है तो मेरी भी है, समझे? अब से मेरे भाई की पसंद मेरी पसंद है। तुम्हें जो भी करना है उनके साथ बैठ कर डिसाइड करो। उस दिन मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे तुमने 10,000 दिए थे ना, बता दो वो पैसा कब लौटाना है, समझे? लौटा दूंगी। अरे मुझे क्यों दोगी, अपने भाई को ही दे देना, मेरा उधार चुकता हो जाएगा। हाँ मैं दुकान पर ही हूँ। हाँ अभी आया। अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली? आज दुकान बंद है। क्यों? अंजलि मैडम की शादी आज तय हो रही है। अरे तुम्हें नहीं, वो हमारा डेली का कस्टमर है, उसी से बात कर रहा था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा, ठीक है? सत्यराज जी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया, मैंने भी आपके बारे में सुना था, लेकिन हाँ बोलिए ना, बेहिचक बोलिए। बात यह है कि हमारी इस पीढ़ी में और पिछली पीढ़ी में कोई भी शराब नहीं पीता है, जबकि आपका तो बिजनेस ही शराब का है, इसलिए थोड़ा। समझ गया मैं, यह सिर्फ मैंने कमर्शियल पर्पस से शुरू किया था, कुछ दिनों के बाद इस धंधे से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। ये जानकर बहुत तसल्ली हुई। मेरी बहन तैयार है, उसको यहाँ बुला लूँ क्या? हाँ हम इंतजार कर रहे हैं, बुला लीजिए। मेरे बेटे और बीवी को आपकी बहन पसंद है, हमारी कोई शर्त नहीं है,
अगर इसकी हाँ अगर है आप तो... शादी के दिन और आज के दिन दुकान बंद करेंगे तो हम जैसे कस्टमर्स का क्या होगा? आपको पता है ना वहाँ कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, वहाँ रोज शराब मिलती है, इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारा विश्वास मत तोड़िए, चलिए दुकान खोलिए। कौन है ये लड़का? हाँ मधुरा वाइन्स का कस्टमर हूँ। क्या आपके कस्टमर्स आपके घर भी आते हैं? वो हमारे जाने वाले का बेटा है, थोड़ा करीबी है, यहीं पास में ही रहता है। ठीक है अब रिश्ते की बात करते हैं। मेरा बेटा फॉरेन में सेटल होना चाहता है, शादी के बाद ये लड़की को अपने साथ विदेश ले जाएगा, ये मंजूर है ना आपको? एक महीने पहले आपसे फॉरेन ब्रांड मंगाने के लिए बोला था लेकिन आपने अभी तक नहीं मंगाई। वहां पूछा तो बोले कि आपसे बात कर लो। उसे मंगाने में और कितना टाइम जाएगा आपको? अपनी बहन का चेहरा देखे बिना तो आपका दिन नहीं शुरू होता है और आप ही उसे फॉरेन भेज रहे हैं। मैं भला आपके फैमिली मैटर में क्यों दखल दे रहा हूँ? चलिए ना सर दुकान खोलिए वहां। हाँ चलता हूँ चलता हूँ। असल प्रॉब्लम क्या है आनंद जी? देखिए मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, ये मेरी बहन से प्यार करता है। मैंने इसे इस डर से नहीं बताया कि शायद आप गलत सोचेंगे। बस आज के जमाने में प्यार व्यार आम बात है। आपके बेटों को कितनी लड़कियों से प्यार हुआ है? आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन मेरे बेटे के साथ खुश रहेगी। इनको हैप्पी हावर शुरू किए एक महीने हो गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और ये तो आपकी बहन को जिंदगी भर खुश रखने का भरोसा दिला रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? खैर मुझे इन सब से क्या मतलब, चलिए दुकान खोलिए ना सर। इज्जत से यहाँ से चला जा। अब तक मैं ये सोच के चुप था कि ये लोग क्या सोचेंगे। और एक बात कान खुल के सुन ले, मेरी बहन की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा, और मैंने उसके लिए इसे चुना है। चुनिए ना सर, कौन रोक रहा है आपको? आपकी बहन आपकी पसंद। आपकी जगह तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लड़के को समझना चाहिए। अबे मुझे क्या देख रहा है, तुझे समझ में नहीं आया क्या? तेरी माताजी और पिताजी को समझ में आ रहा है? चलो चलो। आनंद जी आप सतरा जी से बात कर लेना, हम चलते हैं। आप ऐसे टेंशन मत लीजिए सर, आप दोनों मेरी आंखों की तरह हो, एक को भी दर्द होगा तो मैं सह नहीं पाऊंगा। दोबारा ऐसा कभी मत करिएगा। मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं सर। तू सारी परेशानियों का जड़ है, तेरे घर में भी परेशानी होगी लेकिन तुझे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं होगा, वो सब तो आम बात होगी तेरे लिए। भैया तुम चुप रहो। तूने कभी सोचा कि तेरी ये हालत देखकर तेरे बाप को कितनी चिंता होती होगी? कभी तूने उनकी आंखों में देखा है क्या? चूंकि वो बोल नहीं सकते इसलिए तेरी हरकतों को चुपचाप सहे जा रहे हैं। अगर वो बोल पाते तो एक ही बात बोलते हैं कि सुधर जा तू। मिस्टर जी आपका रिज्यूम। हाँ ओके मैं बताता हूँ। ओके सर। नमस्ते सर, मैं लीला बोल रहा हूँ, सुब्रमण्यम जी का बेटा। डैडी ने आपसे बात की थी मेरे दोस्त के लिए जॉब के रिगार्डिंग, क्या याद आया सर? हाँ वो ऑफिस में है सर। ओके ओके सर, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर जी एवरीथिंग इज परफेक्ट, कांग्रेचुलेशंस। यू मे हैव टू कम फॉर 1 month ऑफ ट्रेनिंग। थैंक यू सर। जॉब मिल गई भाई, बस ज्वाइनिंग करना। क्या बात कर रहे, कांग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ हाँ
पापा। पापा हाँ पापा 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 अरे अरे क्या कर रहे हैं अरे पागल हो गया अरे रुक अरे सुन तुझे तुझे तुझे, तुझे चढ़ गई है चल घर चलते अरे घर चलना भाई क्या करता है रे अरे वैसे तो हम रोज वाली पी रहे हैं लेकिन आज इसका स्वाद कुछ अलग लग रहा है आज आ जा बैठ ना यार मैं बताता हूँ बैठ जा बोलो क्या बात है आज मैंने पापा की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी यार बहुत खुशी हुई मुझे नहीं पता कि वो इतना खुश कब हुए थे यार वो किस तरह से खुश होते हैं ये मुझे नहीं पता था वो आज पता चला मुझे किसी को कुछ बताने के लिए मेरे पापा बोल नहीं सकते और उनकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती धरती पे नरक झेल रहे हैं यार लेकिन लीला आज उनकी फीलिंग्स मैंने देखी उनकी आंखों में उस दिन जब मुझे जॉब मिली ना तब से उनकी आंखों में चमक आ गई है और वो चमक मैं हमेशा देखना चाहता हूं
बीते वक्त में कई सालों तक मैं शराब पीता रहा, आवारा घूमता रहा, ये मत कर वो मत कर न जाने कितनी बार समझाया उन्होंने। इतने सालों का उनके ऊपर जो बोझ था वो एक बार में खत्म हो गया यार। और वो आदमी मेरे पापा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। दिल कर रहा है जान ले लूं उसकी। ए, हमारे सामने बोलने की हिम्मत किसकी होगी रे? चल तुझे घर छोड़ता हूँ, फिर मैं अब... तू जाना यार। नहीं तू चल। अरे अरे क्या कर रहा है? चला जाऊंगा अपने घर यार। अरे संभाल के क्या कर रहा है? ठीक है ठीक है, जा जा जा। तेरे पास लाइटर है? नहीं भाई। ए, लाइटर है क्या? ए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अबे इसकी मार उसे। क्या सुनाई नहीं देता? गूंगा बह रहा है देखता क्या है, मारेगा क्या? मुझे एक डाउट है, गूंगा आदमी सिगरेट नहीं पीता है क्या? निकाल लाइटर, निकाल निकाल जल्दी, जेब में क्या है निकाल। सॉरी अंकल, गलती हो गई। मधुरा गूंगी नहीं है, इसलिए उन्हें पता चल गया कि उसको अलग करने वाला मैं हूँ। लेकिन अब देखता हूँ तेरे बारे में उसे कौन बताता है। ए, रोडला। अरे पापा आ गए क्या? मैंने खाना खा लिया है, आप भी खा लेना। हेलो। हेलो, मैं सिग्मा हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ जल्दी आ जाइए। बाबा, ओ बाबा, मेरे पापा कैसे हैं? कौन है तुम्हारे पापा? राम। कौन है ये आदमी, कितना नशे में है? ए सिक्योरिटी, इसे हॉस्पिटल से बाहर निकालो। रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र जी। अरे उठ उठ अजय, उठ। अरे उठ अजय, अजय अंकल का एक्सीडेंट हो गया, बोन्स में फ्रैक्चर आ गया। अजय अजय, अरे उठ ना, क्या कर रहे? वो कह रहे अंकल कभी चल नहीं पाएंगे।
पापा 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 पेशेंट को डिस्टर्ब मत करिए सर। चल उठ पापा। अरे चल पापा पापा। अरे चल ना, क्या कर रहे हैं पापा। अजय पापा शांत हो जा भाई, शांत हो जा। फर्क नहीं पड़ता है कि आज तुम क्या करोगे, लेकिन आज मैं अपने पापा के लिए तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हारा हर वक्त दुखी रहना अच्छा नहीं लगता अजय। तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हें देखकर अंकल को ज्यादा परेशानी होगी। जानती हूँ तुम्हारा दुख छोटा नहीं है, पर अंकल की देखभाल करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अजय सुन रहे हो ना, मैं कुछ कह रही हूँ। अजय हे हाय, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए काफी दिनों से ढूंढ रही थी, आज मिले हो। उस दिन अगर तुम कॉलेज नहीं आते तो अजय और मैं करीब नहीं आते। हमारी रिलेशनशिप की वजह तुम हो। थैंक यू, थैंक यू। अंजलि चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स ओके। क्या हुआ अजय? तूने ऐसा क्यों किया? क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या किया मैंने? Ugh.
जाओ ना। अजय। अब खुश हो ना, टांग अड़ाने की आदत नहीं जाएगी। वो रस्सी लाओ। हे भगवान, सब ठीक हो जाए, रक्षा कीजिएगा। कुछ नहीं होगा रामू, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। डॉक्टर, एबी ब्लड ग्रुप वाला कोई है क्या आपके पहचान में? नहीं मैडम। पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड अर्जेंटली चाहिए। अगर किसी दूसरे ग्रुप को ब्लड दे तो एक्सचेंज हो जाएगा क्या? हमने ट्राई किया है पर रिप्लेसमेंट नहीं मिला। आप कोशिश करते रहिए, शायद कोई मिल जाए। ठीक है डॉक्टर। ओके अंजलि, पता करो तुम्हारे दोस्तों में कोई है क्या। भैया। हाँ? अजय का है, सेम ब्लड ग्रुप। बेवजह की बात करने का वक्त नहीं है ये। ब्लड डोनेट करने वाले को कम से कम 2 दिन नहीं पीना चाहिए, वो 1 मिनट नहीं रह सकता है। कोई और ढूंढो। हाँ प्रताप जी, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अजय, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। इस ब्लड ग्रुप का कोई मिले तो मुझे फोन कीजिएगा। कोई ब्लड डोनर मिला क्या? कोशिश कर रहे हैं मैडम। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है, मैं देता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आओ, जल्दी, कम फास्ट। डॉक्टर, ये अल्कोहलिक है, अगर इसका ब्लड चढ़ा है ना तो बच्चा भी अल्कोहल एडिक्ट पैदा होगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे बस 5 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ सुब्बाराव जी। हाँ नहीं, वहां नहीं, मैं आ रहा हूं, शास्त्री नगर एल ब्लॉक।
अम्मा डॉक्टर। माँ और बच्चा दोनों सेफ है, इन्होंने सही समय पर आके ब्लड दे दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थोड़ी देर के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप उसको पसंद क्यों नहीं करते भैया? मैं सबसे पहले तुम्हारा भाई हूं ना, इसलिए उसे पसंद करना बहुत मुश्किल है। आदमी बदल रहा हो तब भी हम उसे पसंद नहीं करते, तो बताइए गलत कौन है, वो या हम? समझ नहीं आ रहा है। गलती सिर्फ मेरी है, मुझे उसी दिन मारना चाहिए था जब उसने कहा था कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए इमोशनल ब्लैकमेल है। उस दिन न मार के गलती की थी, उसे पीटना चाहिए था। उस दिन जब वो अपनी जुबान से मुकर गया था, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बहन के साथ रिश्ता तोड़ देगा, और अगले दिन बोला कि नशे में है। उसकी बातों पे कभी विश्वास मत करना बहन, उसे ना मारने की सिर्फ एक ही वजह थी, कहीं वो नशे की हालत में तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। आपने जो अजय देखा वो आज से अलग था, वो पूरी तरह से बदल गया है। जिंदगी में हर किसी को एक झटका मिलता है वार्निंग के रूप में। जब वो इंसान एक ही गलती बार बार कर रहा हो उसको भी झटका मिलता है, वो दोबारा गलती नहीं करेगा, एक मौका तो दीजिए। एक हफ्ते से उसने शराब नहीं छुई ये देख के शादी करवा दी तुम्हारी, तो एक रात 11 बजे तुम्हारा फोन आएगा कि वो घर नहीं आया है। उस वक्त वो कहां पड़ा होगा ये सोचने की हिम्मत भी नहीं होती है। नहीं अंशु, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आधी रात को मेरे दरवाजे पे नॉक करने वाले लोग या तो मुझसे कोई मदद मांगने वाले होते या मुझे धोखा देने वाले होते। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक दिन आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटाए। उसे भूल जाओ बहन। ऐसा नहीं होगा भैया। ये मत सोचो कि वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा। पूरी बोतल गटक के वो खुद को भूल जाता है, तो तुम क्या चीज हो उसके लिए? वो खुद ही कहता है कि पी के वो सब कुछ भूल जाता है। ये पीना और भूलना ये सारी बातें उसके लिए कुछ नई नहीं है, समझी? तुम्हारे भैया ने तुम्हें मारा है क्या? तो फिर समझ गई भैया, आप मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं और कैसी जिंदगी आप मुझे देना चाहते हैं, मैं समझ गई हूं। आपकी पसंद के बारे में जाने बिना गलत किया। आप मेरे लिए चाहे कितना भी कर लें, जब उसकी बात आती है तो मुझे लगता है कि आपका फैसला गलत है। मैं उससे इतना प्यार करती हूं भैया। एक बात बताओ भैया, जो लड़का आपने चुना है वो मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा? होगी होगी, परेशानी होगी, लेकिन उसकी तुलना में छोटी होगी। छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन जाएगी। मैं उसके साथ मिलकर हर मुसीबत से लड़ूंगी, पर मेरी शादी उससे मत करवाइए जो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, जिसे तुम प्यार नहीं करती उसे शादी करवाने का दोष अपने सर क्यों लूं? तुम्हें 2 साल का वक्त दे रहा हूं। अगर इन 2 सालों में मुझे लगा कि वो बदल गया और परफेक्ट है, और मुझे लगा कि तुम उसके साथ सुकून की जिंदगी जी सकती हो, तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा, नहीं तो तुम्हें मेरी पसंद से शादी करनी होगी। कहानी शुरू होती है अजय और मधुरा की, लेकिन खत्म होती है आनंद जी के फैसले के साथ। अजय ने अब शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आनंद जी को कब ये विश्वास होगा कि अजय ने सच में शराब पीना छोड़ दिया है। अपनी जान से प्यारी अंजलि को उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, ये उनके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें इस बात का डर था।